ग्रामीण बच्चे को रस्सी की सहायता से निकालने में जुट गए। सफलता न मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 घंटों से बच्चा बोरवेल में फंसा है। फिलहाल इसकी सूचना जिले के आला अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद आर्मी की भी मदद मांगी गई। साथ ही गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। स्ट्रीट और स्थानीय पुलिस मौके पर है ताकि हर संभव मदद मुहैया कराई जा सके। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ आगरा अमित जुड़ गए। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो बचाव कार्य है वो किस हद तक पूरा किया गया है, क्या अभी कोई बच्चे के बाहर निकलने की इस प्रकार की कोई सूचना मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जो ये घटना जो हुई है सुबह 7:40 की है। एक छोटे लाल है जो निवोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरियाई गांव में वहां के रहने वाले हैं, और उनके घर के सामने ही एक बोरवेल बना हुआ था जो काफी समय से खराब था, और उसके बाद में उन्होंने एक नया बोरवेल बनवाया था। तो खराब जो बोरवेल था उसमें से इन्होंने अपने पाए निकलवाने के बाद नए बोरवेल में लगा दिए, और इनसे सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये किया, जो जिस गड्ढे से इन्होंने पाइप निकलवाए थे उसको इन्होंने किस कारण से बंद किया था। तो सुबह 7:40 के आसपास का समय रहा होगा जब ये बच्चा 4 साल का मासूम सिवा वहां घूम रहा था, खेल रहा था, तो अचानक ही ये उस बोरवेल में चला जाता है। उसके बाद यहाँ जो है करीब 1 घंटे तक वो बच्चे को रस्सी से निकालने का लगातार प्रयास करते रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि बच्चे को रस्सी के माध्यम से नहीं निकालेंगे, उसके बाद ये स्थानीय थाने पर अपनी सूचना देते हैं, और स्थानीय थाने पर सूचना देने के बाद में वहां का जो फोर्स आता है, और लगभग 3 घंटे का समय गुजर जाने के बाद 10:30 तक भी आर्मी और एनडीआरएफ की टीम को सूचना की थी। उसके बाद वहाँ आर्मी का पहुंचना, सेना के जवान वहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंचती है, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लगातार 6 घंटे बीत जाने के बाद में भी अभी केवल शुरुआती दौर की, आप ये मान के चले उसकी केवल शुरुआती दौर की प्रक्रिया ही शुरू हो पाई है। अभी कुछ नहीं लगता कि कितने समय में बच्चे को बाहर निकालने में सफलता हो पाएगी। बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही है अमित, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोरवेल काफी समय से खुला हुआ था और इस पर लगातार ये आशंका जताई जा रही थी, और इस तरह की पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी है, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। और हालांकि इस वक्त बच्चे की क्या स्थिति है उसको, क्योंकि आप बता रहे 6 घंटे हो गए, तो बच्चे की किस प्रकार की स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी लगातार मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की ये घटना जो आगरा हुई, घटना नहीं है, इससे पहले भी आगरा में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, और हमारा आगरा का जो थाना सैया पड़ता है वहां भी एक 4 साल की मासूम बच्ची साधना जो थी वो भी बोरवेल में गिर गई थी, लेकिन सेना के और प्रशासन के प्रयासों के द्वारा उसको जीवित निकाल लिया गया था। वहीं दूसरी घटना एक मरीजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, वहां एक मासूम बच्चा सोनू नाम का जो उसे गिरा था बोरवेल में, उसको भी सेना और प्रशासन के द्वारा कई बार प्रयास किए गए थे लगातार, लेकिन वहां सफलता हासिल नहीं हुई थी, तो बच्चे की मौत हो गई थी। तो ये घटनाएं ऐसी लापरवाही वाली घटनाएं हैं जो लगातार सामने आती हैं, फिर भी ग्रामीण जो है इससे सबक नहीं लेते हैं। अगर ये छोटे लाल जिनके बच्चा है उन्हीं का बोरवेल था, अगर ये सही समय पर उस गड्ढे से पाइप निकलवाने के बाद में अगर उसको बंद करा देते या पत्थर रख के उसको ढक देते, किसी भारी सामान से बंद कर देते, तो ऐसी जो मतलब बड़ी घटना जो हुई है, बच्चा जो आज 4 साल का सिवा जो है अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो ये घटना सामने नहीं आ पाती। जी कहीं ना कहीं लापरवाही तो पड़ती है जिसके चलते ये हादसा हुआ है, लेकिन बच्चे को खाना पीना भी कुछ मुहैया कराया गया है, उसको बच्चे को लेकर किस तरह से उसके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं सेना और स्वास्थ्य कर्मी वहां पहुंच गए, स्वास्थ्य की जो टीम है वहां लगातार बच्चे को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन नीचे प्रोवाइड करा रही है। मैं आपको बता दूं बच्चा जो है वो 150 फीट नीचे गड्ढे में है, और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है, और लगातार मान के लिए कि 4 घंटे के बाद बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो पाई है, और 4 घंटे के बाद से उस बच्चे को ऑक्सीजन जो मिल गया है, उसके बाद खाने पीने का सामान जो बच्चा है उसको थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में अभी देने के लिए मना कर दिया गया है उसको, और जो बच्चा है वो के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो अपने कैमरे के माध्यम से लगातार तो बच्चे पे स्थिति बनाए हुए हैं, और बोरवेल के अंदर एक कैमरा उन्होंने लगाया हुआ है जिससे बच्चे की स्थिति लगातार देख रहे हैं, और उनका सेना के जवान का लगातार प्रयास ये है कि अंदर उन्होंने कैमरा जो लगाया हुआ है उसके माध्यम से वो उसके परिजन से बात करा रहे हैं ताकि बच्चा बोलता रहे, चलता रहे, ताकि उस बच्चे को मतलब जो इसी स्थिति में ना जाए, दूसरी स्थिति में ना जाए। बिल्कुल, मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी बन जाती है ऐसे वक्त में जब बच्चा 3 साल का हो और 150 फीट नीचे बोरवेल में हो, तो लगातार बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, साथ ही साथ पुलिस के कई लोग वहां पर मौजूद है, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की हर जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन सवाल है कि लापरवाही का सवाल है जिसके चलते ये बड़ी घटना इस वक्त हुई है।
वहीं बढ़ते हैं आगरा आगे और रायबरेली से दिल्ली को झकझोरने वाली वारदात सामने आई है। रायबरेली के ऊंचा हार कोतवाली क्षेत्र में 30 साल की मासूम के